हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोईदा किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन मसाला पापड़ी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। एक कप बेसन लिया है और यहाँ मैं बारीक बेसन का यूज कर रही हूँ। ये हम बाउल में डाल देंगे और इसके साथ साथ हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच खाने का सोडा, एक चौथाई छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी, एक चौथाई छोटा चम्मच अजवाइन और नमक आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। और कसूरी मेथी और अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। हाथ से क्रश करके डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। पहले हम इन मसालों को सूखा मिक्स कर लेंगे और मसालों को सूखा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। इसके डालने से पापड़ी बहुत क्रिस्पी बनेगी। अब इसको हम हाथों की सहायता से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल को हम इसमें बहुत अच्छे से मसल मसल कर ऐसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। बेसन में ज्यादा पानी नहीं डलता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि इसमें पानी बहुत कम डालें। तो देखिए, यहाँ बेसन का डो बनकर तैयार हो चुका है और ये इतना टाइट होना चाहिए जब आप इसको गूंद कर तैयार करें। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको एक बार और अच्छे से गूंद लेंगे ताकि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। अब इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि बेसन की मात्रा यहाँ पर मैंने कम ली है। आप अपने हिसाब से बेसन की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं और इसकी हम एक लोई बना लेंगे। आप चाहें तो इस पर ऑयल भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा बेसन भी डस्ट कर सकते हैं। और इस पर हम ये बेसन की लोई रखेंगे और अब इसको हम बिल्कुल ऐसा बेलेंगे जैसे हम रोटियां बेलते हैं, उसी तरह से हम इसको बेलते जाएंगे। और इसको ज़्यादा बारीक या ज़्यादा मोटा हम बेलकर तैयार नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने इसको बेल लिया है और इतनी मोटाई में इसको बेलकर हमें तैयार करना है। अब हम इसको एक ग्लास की सहायता से काट लेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं और साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा या छोटा। एक्स्ट्रा बेसन को हम दूसरी लोई में यूज कर लेंगे और ये जो हमने पापड़ी बेली है इसको हम आटे की सहायता से ऐसे इसमें छेद कर लेंगे ताकि जब हम इसको तलें तो ये फूले नहीं और ये क्रिस्पी बने। और ऐसे ही हम सारी पापड़ी को बेलकर तैयार कर लेंगे और उनमें ऐसे छेद कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी पापड़ियों को बेलकर तैयार कर लिया है और एक कप बेसन में 12 पापड़ियां बनकर तैयार हो जाती हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने पहले ही मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। तो देखिए, तेल यहाँ पर सही गर्म है और जब हम पापड़ी फ्राई करें तो तेल यहाँ पर मीडियम गर्म होना चाहिए, नहीं तो पापड़ी एकदम डलते ही तेल में जल जाएगी। अब हम इसमें पापड़ी डालेंगे और एक बार में जितनी पापड़ी आएंगी उतनी हम इसमें फ्राई करेंगे। और पापड़ी 1 से 1.5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है क्योंकि हमने इसको बारीक बेला है, तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगी। फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक या तब तक जब तक कि ये हल्की सी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इनको हम फ्राई करेंगे। देखिए, ये दोनों ओर से हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इनको हम साइड से करते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको हम ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो बेसन का टेस्ट खराब हो जाएगा। और इसी तरह हम सारी पापड़ियों को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो लीजिए, बेसन मसाला पापड़ी बनकर तैयार है। मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो देखिए, ये बहुत क्रिस्पी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।